वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में सुधर रहा सेहत का तंत्र, हर साल 3655 डॉक्टर तैयार हो रहे। मध्य प्रदेश में सेहत का तंत्र दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। कई मामलों में तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन गया। इस बात के भी अच्छे संकेत हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले सालों में इतनी बेहतर हो जाएंगी कि लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1956 में प्रदेश में सिर्फ 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब निजी और सरकारी मिलाकर 23 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें हर साल 3655 डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। इंदौर में रेड सिग्नल तोड़ते ही मोबाइल पर मिलेगा ट्रैफिक पुलिस का नोटिस। चौराहों पर रेड सिग्नल का उल्लंघन करने वालों को अब हाथों हाथ नोटिस देने की तैयारी है। ट्रैफिक पुलिस RLVD सिस्टम को अपडेट कर नए फीचर जोड़ने की तैयारी कर रही है। जिन चौराहों पर कैमरे नहीं, वहां पर कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी बन गया है। DCP महेश चंद जैन के मुताबिक यातायात सुधार के लिए ये अहम कदम होगा। हमारा लक्ष्य सुगम, सुरक्षित व सुखद यातायात बनाना है। शुरुआत हमने चौराहों के बिगड़ैल ट्रैफिक को सुधारने से की है। इंदौर की फिनिक्स टाउनशिप में होगा स्थायी बिजली कनेक्शन, मंत्री ने की घोषणा। भूमाफिया रितेश अजमेरा उर्फ चंपू के कारण वर्षों से परेशान फिनिक्स टाउनशिप के रहवासियों को बिजली भी अस्थायी मिल रही है, पर अब ये समस्या दूर की जाएगी। अस्थायी बिजली कनेक्शन को अब स्थायी किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कॉलोनी की अस्थायी बिजली को स्थायी करने की घोषणा की। कॉलोनी की रहवासी समिति के अध्यक्ष अश्विनी मिश्रा को बिजली स्थायी करने का औपचारिक पत्र सौंपा गया। महिलाओं को मिली बड़ी राहत, सीएम शिवराज ने खाते में भेजे 23,09,00,000 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनजातीय वर्ग के महिलाओं को पोषण भत्ते का वितरण किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहरिया, बैग और भारिया जनजाति वर्ग के महिलाओं से मुखातिब हुए। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, काम धंधा सही से चले, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। स्कूली छात्रों को सीएम शिवराज ने दिया बड़ा तोहफा, बेटियों स्व सहायता समूह के लिए बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले में एमपी स्कूल के स्कूली छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल देवास जिले के ग्राम चिड़ावद रोड में 12 करोड़ की लागत से निर्मित सीएम राइज स्कूल का विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद सीएम शिवराज देवास की जनता से भी मुखातिब हुए। 28 जनवरी को सीएम शिवराज प्रदेशवासियों को देंगे करोड़ों की सौगात, खाते में भेजेंगे राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। दरअसल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के खाते में अंतरित की जाएगी। सीएम शिवराज इस कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सा होंगे। वहीं कार्यक्रम राज्य और जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश, 4,000 से अधिक गाँव को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के ग्रामों में पेयजल योजनाओं के संचालन को लेकर राजनीति और सहयोग प्राप्त समिति के प्रभाव से गांव में पेयजल योजना के संचालन का काम तेजी से किया जाए। इसके साथ निर्धारित कर का अंशदान भी उपयोगकर्ता से प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए काम तेजी से किया जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के गाँव में एक घरों के टोटे से जल भरने का कार्य करवाना साधारण बात नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश में विधायक और महापौर के चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि विधायक और महापौर के चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय की जाए। याचिका में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में खर्च की सीमा तय किए जाने की मांग की गई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए 14 फरवरी से अभियान शुरू करेंगी उमा भारती।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी नशाबंदी अभियान 14 फरवरी से शुरू करेंगी। ये जानकारी उन्होंने शुक्रवार को एक के बाद एक छह ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नशाबंदी होकर रहेगी। ये अभियान सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि शराब और नशे के खिलाफ है। भाजपा कांग्रेस और सरकार में बैठे कुछ लोगों को समझ पाना भी कठिन काम है। उमा भारती ने कहा कि अभियान को लेकर पहले चरण की चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हो चुकी है। बदला मध्य प्रदेश का मौसम, कई जिलों में बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतल दिन रहने, कोहरा छाने और ओलावृष्टि के आसार हैं। इन हालात को देखते हुए 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सागर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा रहा। मुख्यमंत्री 23 जनवरी को भोपाल के सुभाष नगर ROB का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर शाम 4:30 बजे सुभाष नगर ROB का लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ मिलकर ROB का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन करेंगे। मंत्री ने प्रभात चौराहा पहुंचकर वहां की तमाम व्यवस्थाओं को देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सुभाष चंद्र बोस को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए देशभक्तिमय वातावरण निर्मित कर ROB को सजाया जाएगा। मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्टेट हैंगर पर करीब 30 मिनट मुलाकात की। ये मुलाकात अचानक हुई और करीब 30 मिनट तक दोनों ने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। उधर डूब प्रभावितों को मुआवजे के मुद्दे पर शिवराज से मुलाकात न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम हाउस के सामने धरना दिया। बिलासपुर मंडल में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते जबलपुर से गुजरने वाली 5 जोड़ी ट्रेन निरस्त। रेल प्रशासन द्वारा बिलासपुर मंडल के जयथरी छुलहा रेलखंड पर थर्ड लाइन जोड़ने के लिए जयथरी स्टेशन पर 23 से 31 तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इस कार्य की अवधि में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कई गाड़ियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान पंबरी से गुजरने वाली 5 जोड़ी ट्रेन निरस्त रहेंगी। गाड़ी संख्या 1801 दुर्ग से नवतनवा एक्सप्रेस 26 और 28 जनवरी और वापसी में गाड़ी संख्या 1802 नवतनवा से दुर्ग एक्सप्रेस 23, 28 और 30 जनवरी को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। 2022 में भी जारी रहेगी स्टार्टअप कंपनीज में नई भर्ती, कोरोना की तीसरी लहर का नहीं होगा असर। भारतीय स्टार्टअप कंपनी में नई भर्ती का दौर 2022 में भी जारी रखेंगे और इस पर कोविड-19 की तीसरी लहर का असर होने की कोई संभावना नहीं। जैसे जैसे ग्राहकों का रुझान समय के साथ बदलते हाईटेक उत्पादों की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्टार्टअप अपने कार्यबल में भी वृद्धि कर रहा है। 5 साल तक के बच्चों को एंटीवायरल मास्क से छूट, केंद्र की नई गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण के गहराते कहर के बीच केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। बच्चों और 18 साल से कम आयु के किशोरों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश के तहत अब 18 साल से कम उम्र के मरीजों के लिए एंटीवायरल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं। गाइडलाइन में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता के बावजूद यदि स्टेरॉयड का उपयोग करना भी पड़े तो उसे डायल्यूट करने के बाद ही देना चाहिए। बेटी के लिए पैसा जमा करने से पहले सुकन्या समृद्धि योजना में हुए बड़े बदलाव। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते को पहले 2 परिस्थितियों में बंद किया जा सकता था। पहला, बेटी की मौत हो जाए और दूसरा, यदि बेटी के रहने का पता बदल जाए। लेकिन नए बदलाव के बाद खाताधारकों की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था, तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं था। नए नियम के तहत एक बेटी के बाद यदि 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। कृषि क्षेत्र को मिल सकता है तोहफा, बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में कृषि क्षेत्र को बड़ा तोहफा दे सकती है। बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। इसके अलावा मांग आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को लोन के साथ ही अन्य सुविधाएं देने की भी घोषणा कर सकती है। स्कॉलरशिप के लिए इस तारीख तक करें आवेदन, हर साल मिलेंगे 50,000 रुपए।
हर साल लाखों बच्चे आर्थिक तौर पर कमजोर होने की स्थिति में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए हर साल कई स्कॉलरशिप की घोषणा की जाती है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग की छात्राओं के लिए एक स्कॉलरशिप की घोषणा की है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से इंजीनियरिंग की मेधावी छात्राओं को उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस का शेड्यूल जारी। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। भारत को इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की आखिरी बार 2015 के वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में विश्व कप मैच खेला था। टूर्नामेंट के पहले 6 दिन यानी 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। बजट से उम्मीदें, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बने रोडमैप, रघुराम राजन की सलाह। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को जरूरत है कि वो जितनी जल्दी हो इंक्रीमेंटल बजट पॉलिसी से दूर जाए और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या कृषि जैसे सेक्टर्स के बारे में सोचना बंद करे। सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक रोड मैप बनाए। एक इंटरव्यू में राजन ने बताया कि इस समय भारत को न तो ज्यादा आशावादी होने और न ही ज्यादा निराशावादी होने की जरूरत है। बाजार के साथ साथ जनता का विश्वास बनाए रखना किसी भी बजट का उद्देश्य होता है। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए खुशखबरी, सेबी ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। शेयर बाजार में निवेश करने का प्लान कर रहे नए निवेशकों के लिए खुशखबरी है, अब शेयर बाजार में निवेश करना और भी आसान होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की सुविधा के लिए जबरदस्त कदम उठाया। बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी ने निवेशकों को शिक्षा देने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया। इसमें निवेशकों को कई तरह की जानकारियां मिलेंगी। सेबी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस ऐप से निवेशकों को प्रतिभूति बाजार, KYC प्रोसेस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड्स बाजार के अपडेट्स मिलते रहेंगे। बदल गए ट्रेन में रात को सफर करने के नियम, अब ऐसा नहीं करने वालों की खैर नहीं। भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन में यात्रा करने के नियमों में समय समय पर बदलाव किया जाता रहा है। जरूरी है कि आपको रेलवे की तरफ से बदले जाने वाले नियमों के बारे में पूरी जानकारी हो। प्रकाशित खबर के अनुसार नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब आपके आसपास कोई भी सहयात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा और न ही तेज आवाज में गाने सुन सकेगा। यात्रियों की तरफ से शिकायत मिलने पर रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना का कहर बढ़ा, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 9,603 मरीज, 4 की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,603 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 4 संक्रमितों की मौत हुई। ये मौतें भोपाल, जबलपुर, खरगोन और विदिशा में हुई। कोरोना के नए मरीजों की पहचान लिए गए सैंपल्स की जाँच में हुई। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार सुबह इनकी रिपोर्ट जारी की। फ्लाइट में जाने के लिए फिजिकल पासपोर्ट नहीं रखना होगा साथ, जल्द लॉन्च होगा ई पासपोर्ट। भारत में जल्द ही माइक्रोचिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किया जा सकता है, इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। जानकारी देते हुए बताया गया कि नया ई पासपोर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल के तहत बनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने जानकारी देते हुए कहा कि नया ई पासपोर्ट भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के तहत बनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।